हेलो ओले ओले ये वाला। सो फ्रेंड, आज ऋषिका और प्रिया के अम्मा बाबा आए हैं और साथ में आई है हमारी दिया रानी। तो यहाँ पे मैंने मम्मी और पापा दोनों के पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया। बच्चों ने भी यहाँ अम्मा बाबा का आशीर्वाद लिया। तो मैंने बता दिया है मम्मी पापा के लिए नींबू पानी। प्रिया देखे अपनी छोटी बहन को कैसे नींबू पानी पिला रहा है। मथुरा क्यों आई है? लाखी बांधने भाई की। बच्चों को मैंने फ्रूट काट के दे दिए हैं, तो तीनों ही भाई बहन अपने अभी फ्रूट खा रहे हैं। दिया हमारी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, वो ना बहुत धीरे बोलती है और शर्माती भी बहुत ज़्यादा है। तीनों भाई बहन में बहुत ज़्यादा प्यार है। तो अभी मैं ना दूध लेके आई थी, तो वहाँ से मैं इन बच्चों के लिए कुरकुरे लेके आई। तो अभी बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं। मम्मी काफ़ी थक गई थी, तो मम्मी अपना लेटी हुई है, पापा लगे हुए फ़ोन पे। मम्मी पापा के लिए बनाई मैंने चाय, तो उनको चाय दे दी है। बच्चों के लिए मैंने बनाया दूध। दिया अभी ज़्यादा छोटी है, तो वो अपने आप से दूध नहीं पी पाती, तो इसलिए मैं उसको दूध पिला रही हूँ ग्लास से। मम्मी पापा और दिया अचानक से क्यों आए हैं वो आपको पता चलेगा व्लॉग के लास्ट में, तो आप पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। कितनी चीटी है, कितनी चमकदार है ना। मम्मा जी की, मम्मा की नहीं है, मम्मा की बेटी नहीं है दिया, मम्मा की बेटी नहीं है, मम्मा की भी है पर अम्मा की सबसे ज्यादा है ना। अम्मा की लहर ली है। शाम हो गई है, तो मैं अभी खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा ना शाम को 5:30 बजे के आसपास आए थे, क्योंकि दोपहर को बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो बच्चे के साथ में ऐसा सही नहीं होता है, और बाइक से आना था उन्हें। इसी बहाने मम्मी पापा एक रात हमारे साथ भी रुक जाएंगे। खाना भी पूरा नहीं बना था और गैस भी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो मुझे गैस लगाना नहीं आता था, तो मम्मी आई मेरी हेल्प करने के लिए। सिलेंडर लगाते हुए तो मैंने काफ़ी बार देखा है, इसके डैडी भी लगाते हैं, तब मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे ना बड़ा डर लगता है। तो मम्मी ने मुझे समझाया कि इसको ऐसे लगा के ऐसे करते हैं, मुझे समझ में आ गया, ऐसे करने लग गई मैं फटाफट से। फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। आज मैंने बनाई है छोले की सब्ज़ी और साथ में सूखे आलू की सब्ज़ी। मम्मी पापा शाम के टाइम में पूरी पराठे नहीं खाते हैं, तो उन्होंने बोला हमारे लिए तो प्लेन रोटी ही बना देना। खाने की तैयारी हो गई है, तो अभी सबसे पहले दिया बांधेगी अपने भाई को राखी। अभी दी अपने भाई को सबसे पहले टीका लगाएगी। दिया अभी छोटी है, तो वो अपने आप से नहीं कर पाती है, तो मैंने दिया की थोड़ी सी हेल्प की, उसको बताया कि बेटा ऐसे ऐसे करते हैं। छोटी है अभी, ये 3 साल की हो जाएगी अक्टूबर में, लेकिन ये जब ये बातें करती है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि बड़े बड़े भी फेल हो जाते हैं। इसकी बातें बहुत ही यूनिक होती हैं और बहुत मतलब अच्छी लगती है, क्यूट लगती है बातें करती हुई। अभी आई है, तो थोड़ा सा नर्वस रहती है ना, तो इसलिए इतना बात नहीं करती है, लेकिन अगर आप गाँव में चले जाओ तो बहुत ज़्यादा बात करती है। प्रयाग ने दिए दिया को पैसे, उसके पैर छुए, और दिया ने दिया उसको घेवर। अभी आ गई बारी ऋषिका की, तो दिया बोली मैं तो दीदी के लिए भी बांध दूंगी, मैं दीदी के लिए भी अलग से राखी लेके आई हूँ। ये राखी भूमि की है, तो दिया ने ये ऋषिका को बांध दी। और प्रयाग देखो कैसा डब्बा लेके ही बैठ गया घेवर का। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप सोच रहे होंगे कि बीच से बीच राखी क्यों बंध रही है। इस बार राखी वैसे तो 30 की है, लेकिन इस वक्त तो भद्रा बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पर शुभ मुहूर्त नहीं होता है राखी बांधने का, तो हम लोग पहले ही बांध रहे हैं। तो फाइनली राखी बंध गई है, खाना पीना भी हो गया है। तो पापा को खाना खिलाने के बाद में अभी मैं और मम्मी खाना खा रहे हैं, थोड़ी सी साथ में गपशप भी हो रही है। वैसे खाना खाते वक्त बात नहीं करते हैं, लेकिन मम्मी काफ़ी टाइम बाद मिली है, तो काफ़ी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो साथ बैठ के बहुत सारी हो जाती हैं, तो तब ये नहीं देखा जाता कि खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे। तो थोड़ी बहुत गपशप करने के बाद में फिर अभी की हमने सोने की तैयारी। प्रयाग सो गया है बाबा के पास में ही, और मम्मी ने अपने कपड़े चेंज करके अभी मैं मम्मी के पैर दबा रही हूँ। ये रूटीन ना हमारा जब गाँव में थे तब भी ऐसे ही रहता था, जब तक हम मम्मी के पैर नहीं दबाते थे तब तक सोते नहीं थे। बहुत याद आते हैं वो दिन भी, लेकिन अब ना बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग गाँव में नहीं है। तो थोड़ी देर मम्मी के पैर दबा के फिर हम सो गए। सुबह हो गई है, बाबू ने जलते ही अम्मा और बाबा के पैर छुए। बच्चों का आज स्कूल भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। बाबा मारते हैं, वो प्यार करते हैं ऐसे, उनका प्यार है वो। वो
देखो बाबा के पास कैसी नींद आई, ऐसी नीनू कैसी आई बाबा के पास? अच्छी आई। पोता उनके से प्यार है, पोता पोती से मनमानी, मतलब अपनी मर्जी से काम करना, किसी की बात ना मानना। और रात में शुक्र हो या किसी के माना ऐसे मनमानी हो जाते हैं। हटो बूढ़े, ओ बूढ़े क्या बोला, गलत बात है ना, बूढ़े सॉरी। अब तो पापा बताऊंगी तो बता दो, बड़े चप्पे डैडी के पापा तो जल्दी बूढ़ो कर रहे हो, बूढ़े तुम जल्दी शादी कर रहे हो, वो जल्दी बूढ़ा कर रहा तुमको। मजाक उड़ा रहे भाई बाबा, ऐसे मत करो। चलो तुम हटो बाबा के पास से, स्कूल जाने का टाइम हो गया, चलो चलो चलो। ये भाव तो घेवर में पागल हो गया, छोड़ो दिया भी सोई नहीं है। दिया ए बेटा, दिया सोने दो भी। ओहो ओहो ओहो, दीदी भैया स्कूल जा रहे हैं? अरे एकदम कर ली। दीदी भैया स्कूल जा रहे हैं? अम्मा गई? ओह अम्मा के नाम पे उठी है। बाहर है बाहर है बाहर है, बाहर वाले रूम में आज आज आज, ये अम्मा की लाडली है ज़्यादा, बाहर वाले रूम में आज। ओले गुंडी इतनी बड़ी हो गई ले जाती है। मैं बोले मैं कि दीदी भैया स्कूल जा रहे हैं तो नेक काम खोली, मैं बोला अम्मा बाबा गए सो हूँ। एक मिनट में जग गई, उठ गई इतने तो। गुड मॉर्निंग, अम्मा जी से करो, अम्मा जी को भी करो, करो अम्मा जी गुड मॉर्निंग, बाबा को करके आओ, और मम्मा को कौन करेगा बोलो। तेज बोलो तेज बोलो तेज, मम्मा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भूमि आने के लिए नहीं बोल रही थी, क्या कह रही थी भूमि? मैं बांधूंगी लाखी, और देखो हमारी दिया की मेहंदी, देखो दिया मेहंदी दिखा दो अपनी। ओहो भाई, अच्छा ये वाली राखी किसने बांधी? आपने? अरे ये मैंने अपनी बेटी की अपनी राखी बांधी, वो मेरे को कह रही थी मेरे को राखी बांध दो राखी बांध दो। अच्छी है राखी, बाय दिया, बाय दिया भैया से करो, बाय बाय दिया करो भैया से। अरे अब तो बाइक से जा रहे हैं, मेरे पास है बैग, बाबू आगे गुन्नू पीछे बैठ जाएगी। बाय, हैव अ गुड डे। तुम जाओगे स्कूल ऐसी बाइक से दीदी भैया के संग जाए करोगे? मेरे पास रह लोगे? हैं ना, साथ ना रहूंगी। जा रही है बाय, कर दो बाय, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ, राखी बांध ली। बस मम्मी पापा अब जा रहे हैं, और बहुत खुशी होती है जब मम्मी पापा ना मुझे विदाई दे के जाते हैं। तो पापा ने यहाँ पे दी मुझे पैसे में विदाई, और फिर मैंने मम्मी पापा के पैर छुए। बस पापा हर जा रहे हैं तो उस टाइम पे मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, मतलब घर पे कोई भी आओ फिर कोई चला जाता ना तो घर खाली खाली हो जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।
चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पापा मम्मी जा रहे हैं मुंबई। बाय मम्मी। मम्मी मैं बहुत मम्मी तो बाय पापा स्टैंड अप ठीक है ठीक।